जिस कदर कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, उससे सरकार और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें आना तो स्वाभाविक है। मगर जरा सोचिए, अगर कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने वाले हेल्थ वर्कर ही इसकी चपेट में चले जाएं तो भला क्या होगा। बेशक स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ जाएंगी। ऐसे ही हालात रोहतक के पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां पिछले एक सप्ताह के भीतर ही करीब 176 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी अस्पताल में करीब 24 मरीज ही दाखिल हैं, मगर जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में प्रोफेसर इंचार्ज कोविड 19 कंट्रोल रूम डॉक्टर वरुण अरोड़ा का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से पीजीआईएमएस में सभी सामान्य ओपीडी को बंद कर दिया गया है, ताकि डॉक्टरों को संक्रमण से बचाया जा सके। आज ट्रॉमा सेंटर को भी कोविड 19 में तब्दील कर दिया गया है। पीजीआई ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पीजीआईएमएस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू आने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन एक साथ 176 हेल्थ केयर वर्कर के पॉजिटिव होने से वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि स्टाफ कम होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अभी स्थिति उनके नियंत्रण में है। अगर डॉक्टर और दूसरा स्टाफ इसी तरह से पॉजिटिव होता रहा तो पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है। 176 हेल्थ केयर वर्कर पिछले 6-7 दिनों में पॉजिटिव आ गए हैं, इसमें से 61 डॉक्टर भी हैं। हमारे लिए ये जो संक्रमण दर है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने हॉस्टल को खाली करा दिया गया है और सारे डॉक्टरों का पूल बना दिया है, ताकि संक्रमण दर को कंट्रोल किया जा सके। हमारे 99% हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा संक्रमण की वजह से बीमार जो हो रहे हैं उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमने कोशिश यही रखी है कि कम से कम संक्रमण दर रहे पीजीआईएमएस में, और इसके साथ साथ में हमने पूल बना दिया है सारे डॉक्टरों का, ताकि आने वाली स्थिति में हम अगर ज़्यादा मरीज भी बढ़ते हैं तो उनको भी कंट्रोल, उनका भी इलाज कर सकें। आपने फर्स्ट वेव में भी बहुत बड़ा काम किया है, सेकंड वेव में भी आप डटे रहे, अब थर्ड वेव है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे ताकि कम से कम संक्रमण फैले? देखिए, डॉक्टर्स पूरे दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। पहली वेव, दूसरी वेव, और मैं बताना चाहता हूँ पहली दूसरी वेव में हमने अपने डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को खोया भी है। सब लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कृपया करके बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके अंदर हैंड हाइजीन, मास्क लगाना, और अपना जब वैक्सीनेशन का समय आए वैक्सीन लगाएं। शायद ये आपकी सबसे बड़ी आज की डेट में देश सेवा है। बिना मास्क के ना घूमें, क्योंकि इस संक्रमण में 85% में कई बार बहुत छोटे से सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं। इसे हल्के में ना लें, क्योंकि जिस तरह से हर दिन 1.5 लाख के करीब पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर भी रोहतक के अंदर नंबर बढ़ता जा रहा है। कृपया करके यही देश सेवा निभाएं कि कृपया इनमें से जितने हमारे संक्रमण रोकने के प्रयास हैं, इनमें हमारे साथ शामिल। फिलहाल कोरोना से संक्रमित 24 मरीज दाखिल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर और अन्य स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए सभी सामान्य ओपीडी बंद कर दी गई हैं। साथ ही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज ट्रॉमा सेंटर को भी कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी आम जनता से अपील की है कि सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और कम से कम वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, ताकि वो और उनके आसपास के सभी लोग सुरक्षित हो सकें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।